हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है माहिर और आप देख रहे हो माहिर नरवाल व्लॉग्स। तो गाइस कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो गाइस बहुत दिनों से मैं कोई भी व्लॉग नहीं डाल पाया, उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। तो यार क्या है कि मेरे ना एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं फर्स्ट ईयर के, तो मैं उसकी प्रिपरेशन करने में लगा था भाई। सारे साल तो पढ़ाई करी नहीं है, थोड़े टाइम पहले तो अपनी जो हमारी प्रिपरेशन है उसको तो करना पड़ेगा ना स्टार्ट, तो मैं उसी में लग रहा था। और अभी थोड़े दिन बाद मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो फिर मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद मैं रेगुलर हो जाऊँगा अपनी वीडियोस पे, जैसे मैंने पहले बोल रखा था आप सबको। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक चैलेंज पर होने वाली है। मैंने सोचा यार आज एक फूड चैलेंज करते हैं बहुत तगड़ा, ठीक है, जिसमें आप सबको भी मज़ा आएगा, ठीक है। और मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ, वो मैं आपको सब दिखाऊँगा, ठीक है। और बस अभी आने वाला है मेरा फ्रेंड, फिर हम निकलते हैं। तो गाइस अभी सीन ऐसा है, जो फ्रेंड जो मेरे साथ जाने वाला था ना, वो कह रहा भाई तू घर पे ही आ जा, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। तो भाई मैं उस दोस्त के घर पे अभी आ गया हूँ, मैं बाहर जस्ट अभी आने वाला है वो। तो जैसे वो आता है फिर आपको उससे मिलवा के फिर एकदम चलते हैं अपनी लोकेशन पे। तो गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी भी खड़े में छाया में खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी फेस पे इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है ना, देखो ज़्यादा भी हाथ भर गया। अब क्या दिखाऊँ मैं आपको, इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है, पता नहीं भी टेम्परेचर क्या ही हो रहा होगा अभी। तो भाई हालत खराब होगी गर्मी में, जैसे जब तक एसी में रहते हैं जब तक तो ठीक है, जैसे एसी से बाहर निकलो अपना हालत बिल्कुल ना ख़राब हो जाती है। आ जा भाई, कहाँ रह गया तू और छका दे गर्मी में। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जल्दी आओ। बाकी चीज सेट है, आ गया हैं? लगा ले भाई, धूल मिट्टी से बच जाएगा। हेलो बोल दे। हेलो। तो भाई चलते हैं फटाफट अपनी लोकेशन पे। तो भाई कहाँ जाना है पता है? पता है कहाँ जाना है?
रोटी और रह रही है। ये आ गई हमारी छठी, तो ये हमारी लास्ट रोटी आ गई। थोड़ी खराब हो गई लेकिन ठीक है। यहाँ पे हमारे अभी चाउमीन भी गर्म हो चुकी है अच्छे से, ठीक है। ये सारी चाउमीन जा रही है हमारे रोल्स में। तो भैया अब इसके बाद क्या आ जाएगा सबसे पहले इसके ऊपर? उसके बाद जा रहे हैं भैया प्याज, देखो उसके बाद जा रहे हैं प्याज सारे के ऊपर, सारे रोल्स के ऊपर भैया ने बढ़िया तरीके से प्याज डाल दिए। चटनी इसके बाद आ गई हमारी लाल चटनी, अभी आ गया हमारी मेयोनीज, ये हमारा भैया ये कौन सी चटनी है हमारी? ये हमारी ग्रीन चिली चटनी आ गई है जो हमारे रोल्स में तीखापन देगी, बढ़िया बनाएगी हमारे रोल्स को। ये आ गया ऊपर से केचप, और आ गया ऊपर से नींबू, तो अब हमारे रोल्स हो रहे हैं रोल, रोल करके हम रोल खाएंगे। क्या बोला भैया? क्या बोला? तीन रोल। तो गाइस हमारे रोल बन के आ चुके हैं, आप जैसे देख सकते हो। ये रोल दिखाते भाई, ये रोल के साइज है, ये हमारे रोल बन के आ चुके हैं। चलो करते हैं हमारे चैनल को स्टार्ट।
है कि अभी आप सबने देखा मैंने अपना पूरा 101% दिया, लेकिन बस लास्ट के कुछ दो रोल रह गए थे, लेकिन बाकी पांच रोल तो मैंने कर दिए थे कंप्लीट। और अगर आपको लगता है कि आप ये चरण कर सकते हो, पांच मिनट के अंदर सात रोल आप लोग खा सकते हो, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। भैया एड्रेस बता दो अपनी। ये एड्रेस है मॉल टोन थर्ड, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, बिल्कुल मेरा पटना रोल सेंटर हेल्दी वीड रोल के नाम से लगता है। ठीक है, और बिल्कुल आटे का होता है। ठीक है, और मैं आपको इनका कार्ड दिखाना चाहूँगा। ये है इनका कार्ड, आप देख सकते हो। ये है इनका कार्ड पटना रोल सेंटर के नाम से। ठीक है, तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड।